बलरामपुर में ईडी ने पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशिम और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। उन पर गैंगस्टर एक्ट, जमीन कब्जाने और आपराधिक साजिश के कई मुकदमे दर्ज हैं। ईडी ने अप्रैल में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था, जिसके आधार पर उनकी संपत्तियों की जाँच हुई। आरिफ अनवर पर कुल 32 मुकदमे दर्ज है। गोंडा में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कई संगठनों के सैकड़ों सदस्यों ने गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में संयुक्त कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, रेलवे, राजस्व और शिक्षकों के संगठन शामिल हुए। कर्मचारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगे रखी। बलरामपुर में परिषदीय विद्यालय में चोरी करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी सुधीर कुमार सिंह है, जबकि दूसरा बाल अपचारी है। चोरी की घटनाएं पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगचाहिया बेलहा और प्राथमिक विद्यालय सेमरहना सिसई में हुई थी। पुलिस ने चुराए गए सामान जैसे अलमारी, दरी और कुर्सियां भी बरामद की। कौशाम्बी में एक दिवसीय कार्यक्रम में चिराग पासवान ने कहा कि वो पासी पासवान समाज के अधिकारों के लिए हर मोर्चे पर लड़ेंगे। उन्होंने सपा और बसपा पर आरोप लगाया कि दोनों ने दलित समाज की उपेक्षा की है और उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वंचित समाज का ये सम्मेलन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के पीछे का उद्देश्य पार्टी के संगठन की उस विचारधारा को जनता के बीच लेकर जाना है, जिसके लिए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। समाज का हर वो वंचित वर्ग, भले वो अनुसूचित जाति से आता हो, पिछड़ा वर्ग से आता हो, अल्पसंख्यक समाज से आता हो, उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए मैं, मेरी पार्टी हमेशा से समर्पित रही है। पार्टी के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ ये विषय है। चुनाव के दौरान इस बात की तकलीफ हम लोग को हुई कि कुछ विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से आरक्षण संविधान को लेकर गलत फहमी फैलाने का काम किया गया, झूठ और डर फैलाने का काम किया, परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट अपेक्षित, जिसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश से हम लोग को थी, उस उम्मीद पर हम लोग खरा नहीं उतर पाए। झांसी में राष्ट्रभर भक्त संगठन ने मां दुर्गा के पंडालों के ऊपर से निकले बिजली के तारों को ठीक कराने के लिए चीफ इंजीनियर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने शॉर्ट सर्किट के खतरे का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पंडाल में आग लगने की संभावना है। संगठन ने 11,000 की लाइन के जम्फर को हटाने की भी बात कही। आप यहाँ किस संबंध में आए हैं? आज चीफ इंजीनियर बिजली विभाग से हम लोगों ने भेंट की है। जो दुर्गा जी बैठ रही हैं, तो उन दुर्गा जी के ऊपर से कई जगह पर खंभे लगे हुए हैं, कई जगह पर तार निकल रहे हैं, तो उसको लेकर के समस्या को लेकर के आए थे। करीब 16 जगह की समस्याएं थी, जिनको लेकर के हमने बात की और चीफ इंजीनियर ने आश्वासन दिया है। साथ ही साथ तीनों जिलों में, झांसी, ललितपुर, उरई, जो चीफ साहब के अंडर में हैं, उन सभी जिलों के एसीज को और एक्सीएंस को, एसडीओस को पत्र भी यहां से जारी कर रहे हैं। जो पत्र हमने दिया है उसके अनुसार कि आप 3 दिन के अंदर सभी दुर्गा प्रतिमाएँ जहाँ जहाँ विराजमान हो रही हैं उसके आसपास के खम्भों को और तारों को ठीक करके हमें रिपोर्ट दें। कानपुर में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सैकड़ों सदस्यों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिलाधिकारी को 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। महासंघ के जिला मंत्री इसना तुनवा सिंह ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। संतावन सिंह, जिला मंत्री, कानपुर। किस लिए आए हैं? आज डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांग है? पुरानी पेंशन की मेन मांग है हमारी, जो कि पुरानी पेंशन नहीं मिल रही हम लोगों को। एनपीएस था, अभी यूपीएस होने जा रहा है, लेकिन वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजना है, तो डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को जाएगा यहाँ से। मिर्जापुर में बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शक्तेशगढ़ स्थित स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। उन्होंने नीचे बैठकर स्वामी अड़गड़ानंद का आशीर्वाद लिया। ये मिलन आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का प्रतीक दिखाई दिया।
बांदा में घरेलू विवाद में बहू ने सास के सर पर दाल दरने वाली चकिया दे मारी। इससे सास की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में सिर्फ सास बहू ही थी। पुलिस ने बहू को हिरासत में ले लिया है। ग्राम शाहपुर सानी घरेलू कलह में जो बहू ने सास के सर पे सिलबट्टे से और हसीये से चोट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सास का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उसमें तहरीर प्राप्त हुई है। उसमें 103(1) का BNS का अपराध दर्ज किया गया है और बहू जो सरोजा पत्नी रोहित को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।